केयर बॉक्स हो गया, इहदे विच ए बी सी डी 5-5 सेंटीमीटर तुहानू दित्ती हुई है। इहदा फार्मूला है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स, जो सारियां चारों साइड्स आ उन्हों आपां की करांगे 4 ना मल्टीप्लाई करांगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आ गया स्क्वायर दा, और जो रेक्टेंगल दा फार्मूला है ए बी सी डी, जो इधरली अपन नूं दित्ती हुई है वो हैगी 6 सेंटीमीटर, और जो ये है ये हैगी 2 सेंटीमीटर। तो इहदा जो फार्मूला है वो है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ जी, तो अपनी लेंथ की है तो ब्रेथ की है उन्हों आपां 2 ना मल्टीप्लाई कर दांगे, 6 प्लस 2 6 टू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ए फाइंड आउट हो गया। हाँ जी, इस तो बाद आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फोर्थ सम सॉल्व करना, जिद आपू लेंथ दिती हुई है ब्रेथ दिती हुई है, इसनों आप सॉल्व करना वा। लेंथ कि अपनी लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ 35 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला पैरामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 40 और ब्रेथ कितनी है प्लस 35, 40 ते 35 75, 2 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर आंसर सॉल्व हो गया। उस तो बाद सेकंड सम जिदे विच लेंथ दिती हुई है 10 मीटर और ब्रेथ है 8 मीटर, सेम फार्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी दिती हुई है 10 और ब्रेथ 8, 18 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। मीटर है उन्हों इधर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर विच कन्वर्ट करांगे, 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर होंदे है, तो 8 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 800 सेंटीमीटर च कन्वर्ट हो गया। हुण फॉर्मूला पुट करांगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी आ गई 800 प्लस ब्रेथ है 80, 880 आ गएगा इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आया। इस तो बाद जे इहनूं आपां मीटर दे विच कन्वर्ट करना ता 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 1760/100 सेंटीमीटर करके डिवाइड करांगे तो ये आ जाएगा अपने को 17.60 मीटर। उस तो बाद फोर्थ सम है जिसकी लेंथ दिती हुई है 3.6 मीटर और ब्रेथ है 2.4 मीटर। लेंथ अपने कोल है 3.6 मीटर
ब्रेथ है 2.4 मीटर। इज द पैरामीटर सब तो पहला फार्मूला इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई 3.6 प्लस 2.4 इन्हें दोनों प्लस करके आ जाएगा है 6 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12 मीटर